Hello everyone, welcome back to my channel Quest for Knowledge. Today I have bought a model paper according to your syllabus. So let's move on. एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए. ये लेसन साइड में से सबसे पहले वन वर्ड आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, देन 3 मार्क्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर किसने किससे कहा 4 मार्क्स के लिए, और संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए 6 मार्क्स के लिए. 1 मार्क के लिए 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सारे 6 क्वेश्चन लिखने हैं. 3 मार्क के लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं. किसने किसे कहा 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको चारों लिखने हैं. संदर्भ स्पष्टीकरण 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 2 लिखने हैं. पोएम साइट दोनों आधुनिक और मध्यकालीन कविता में से पहले 1 मार्क के लिए 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सारे 6 क्वेश्चन लिखने हैं, और 3 मार्क के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं. संदर्भ, इसमें आपको भावार्थ लिखना है. यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और दोनों ही और ऑप्शन में 2-2 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 2 लिखने हैं. सप्लीमेंट्री साइट में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और आपको 5 क्वेश्चन लिखने हैं, और 5 मार्क के क्वेश्चंस होंगे. इसमें फर्स्ट चैप्टर में से यानी कि सुखी डाली में से 2 क्वेश्चन और ऑप्शन में दिए जाएंगे, और प्रतिशोध में से 2 क्वेश्चन और ऑप्शन में दिए जाएंगे. यानी कि आपको सुखी डाली में से 1 प्रश्न लिखना है, 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, और प्रतिशोध में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है. फिर आपको टोटल 40 मार्क्स का ग्रामर दिया जाएगा, जिसमें से वाक्य शुद्धि 4 मार्क्स के लिए होंगे, 4 प्रश्न. फिर रिक्त स्थान भरिए, जिसमें आपको कारक लिखने हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फिर सूचना अनुसार बदलिए, यानी कि आपको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में बदलना है. इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने पर आपको 3 अंक मिलेंगे. फिर आपको मुहावरे पूछे जाएंगे. मुहावरे आपको एज अ मैच द फॉलोइंग्स पूछे जाएंगे, जो आपके लिए 4 मार्क्स के लिए होंगे. अन्य लिंग रूप लिखिए, आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 3ों के उत्तर लिखने हैं, जिससे आपको 3 अंक मिलेंगे. फिर आता है अनेक शब्द के 1 शब्द, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 3ों के उत्तर लिखने हैं, 3 अंक के लिए. फिर उपसर्ग जोड़कर लिखिए, ये आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन. फिर आते हैं प्रत्याय, ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न. फिर आता है पत्र लेखन और निबंध. पत्र लेखन और निबंध दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे. फिर आता है अनुच्छेद, यानी कि पैसेज राइटिंग. पैसेज राइटिंग में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5ों के उत्तर लिखने. फिर अंतिम आपको अनुवाद दिए जाएंगे, 5 अनुवाद दिए जाएंगे, जिसमें कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखे जाएंगे और आपको उत्तर हिंदी में लिखना है. तो यह था मॉडल पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन सो यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियोज़. थैंक यू.